हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सैमसंग का न्यू रिलीज्ड मोबाइल, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J2 Core। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये मोबाइल सैमसंग ने बिल्कुल हाल ही में लॉन्च करा है और ये एक बहुत बड़ा धमाका है सैमसंग की तरफ से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सैमसंग एक ऐसी ब्रांड है जिसपे हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मोबाइल को और देखते हैं ये बजट मोबाइल सैमसंग ने जो लॉन्च करा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये कैसा लगता है कैसा नहीं, क्या आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप जब ये मोबाइल परचेस करेंगे तो आपको देखेगा ये बॉक्स, ये है ब्लू कलर का। मैंने जो ये वेरिएंट लिया है, ये ब्लू कलर का वेरिएंट लिया है, तो मुझे ये जो बॉक्स मिला है ये ब्लू कलर के बॉक्स में मिला है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी कलर के बारे में लिखा हुआ है, इसका कलर है ब्लू। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये मोबाइल जो है इसके ऊपर जो MRP है वो है 7,000 रुपये की, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये मोबाइल आपको 6,200 रुपये के आसपास जो है मार्केट के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, हमें मिलता है 5 इंच का इसके अंदर QHD डिस्प्ले। दोस्तों, इसके अंदर हमें 5 इंच की QHD डिस्प्ले मिलेगी और मूव एप्स और कंटेंट टू SD कार्ड। इसके अंदर एक ये नया फीचर जो है सैमसंग ने ऐड करा है दोस्तों, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कोई भी आप एप्लीकेशन कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, वो डायरेक्ट आपके SD कार्ड में ही इंस्टॉल होगी और SD कार्ड में ही डाउनलोड होगी। तो ये एक नया फीचर जो है सैमसंग ने J2 Core मॉडल के अंदर ऐड करा है। उसके अलावा कैमरे की बात कर लेते हैं, तो 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको रियर कैमरा मिलता है फ्लैश के साथ और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में। तो दोस्तों, अभी ये देख लेंगे हम फ्रंट में इसके अंदर फ्लैश मिलती है नहीं या नहीं मिलती है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉयड के वर्जन के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड का 8.1 मिलेगा, यानी कि ओरियो, जो कि होगा गो एडिशन के अंदर। तो दोस्तों, ये मोबाइल जो है वो J2 Core गो एडिशन है। गो एडिशन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या खास चीज़ है, ये गो एडिशन क्या चीज़ है। इसके अलावा इसकी रैम के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1 GB रैम इसके अंदर आपको मिलेगी और 8 GB मेमोरी इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। 2600 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी और ये 4G LTE सपोर्ट जो है करता है मोबाइल। उसके अलावा और तो कुछ खास हमें इस बॉक्स के ऊपर नहीं लग रहा, तो चलिए बिना टाइम गवाए इस बॉक्स को अनबॉक्स कर देते हैं और देखते हैं इस मोबाइल के बारे में। जैसे ही हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें चीज़ दिखती है वो है इसके अंदर J2 हमारा मोबाइल। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो यह एक आता है पैकिंग के अंदर, डबल पैकिंग है इसके ऊपर। मैंने बॉक्स अनबॉक्स कर लिया था, बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर डबल पैकिंग कैसी है। इसके अलावा चलिए इसको साइड कर देते हैं, बॉक्स के अंदर अदर कंटेंट्स को देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एक है, निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको इसको अनबॉक्स। जैसे ही हमने करा दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हमें मिल जाती है ये पैम्फलेट्स, यूज़र मैनुअल, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मिलती है एक डेटा केबल, और आपको इसके अंदर एक मिलता है दोस्तों एक ट्रैवलिंग अडेप्टर, जिसकी स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। ये एक फास्ट चार्जर तो मुझे नहीं लग रहा, बाकी ये एक बजट मोबाइल है, तो बजट मोबाइल के अंदर 2600 mAh के अंदर आपको जो है ये फुल डे जो है आपको बैटरी तो चला ही देगा, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल की बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होता है बाकी मोबाइल्स के मुकाबले में। बाकी मैं और दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक आपको ये रिमूवेबल बैटरी मिलती है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप जो है बैटरी को रिमूव कर सकते हैं, और इसकी जो बैटरी है ये 2600 mAh की है। चलिए इसको बिना टाइम गवाए लगाते हैं मोबाइल को और देखते हैं मोबाइल के बारे में कि ये मोबाइल जो है कैसा लग रहा है। बाकी उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मोबाइल कैसा जो है, इसका लुक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हैं, तो ये पैकिंग में से निकालने के बाद ये मोबाइल पर बैक साइड पर भी एक पैकिंग लगी हुई है, देख सकते हैं आप ये। तो ये ब्लू कलर का वेरियंट है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, तो बैक साइड में आपको 6,200 रुपये में सैमसंग ने दिया है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें LED फ्लैश नीचे की तरफ दी गई है। स्पीकर आपको इसी के बराबर में मिल जाएगा, यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है, और ये ब्लू कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है इस मोबाइल के अंदर। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग का पोर्ट, एक माइक्रोफोन और ये 3.5 mm का जैक भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। राइट साइड पर दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलेगा एक ये पावर की, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ऊपर की साइड में देख लेते हैं तो ऊपर की साइड में भी कुछ नहीं है, और लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर दो वॉल्यूम कीज़ जो है, वॉल्यूम रॉकर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों मोबाइल का लुक देखा जाए तो मोबाइल का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है इस ब्लू कलर के वेरिएंट में। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या परचेज़ कर चुके हैं तो बाकी का अदर वेरियंट्स आपको इसके कैसे लगे। दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं फ्रंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको कैमरा जो है 5 MP का ऊपर की तरफ मिल जाता है। इसके अलावा तो इस मोबाइल के अंदर कुछ खास जो है बताने लायक है नहीं। बाकी यहाँ पे एक ये छोटा सा कट है ताकि आप इसके पैनल को हटा सकें। चलिए मैं भी ये भी इसको हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो जैसे ही आप ये पैनल दोस्तों हटाते हैं तो आपको मोबाइल अंदर से देखने को कुछ इस तरीके से मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके दो सिम कार्ड लग सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लग सकता है। मेमोरी कार्ड यहाँ लग जाएगा और एक सिम कार्ड यहाँ लग जाएगा और एक सिम कार्ड यहाँ लग जाएगा। बैटरी 2600 mAh की यहाँ लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, मोबाइल को बूट करते हैं। बाकी एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर जो सैमसंग ने चेंज करी है वो है इसकी ब्रांडिंग की पोजीशन। हाल ही में हमेशा हम देखते आए हैं सैमसंग की जो ब्रांडिंग होती है वो ऊपर की तरफ होती है सैमसंग की, बट इस मोबाइल के अंदर सैमसंग ने 5 इंच की डिस्प्ले के अंदर ब्रांडिंग जो कर दी वो नीचे कर दी। और इस मोबाइल के अंदर कोई भी आपको की देखने को नहीं मिलती है, मेन्यू की जो बैक मेन्यू की होती है वो इस मोबाइल के अंदर नहीं है। तो अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करा गया 5 इंच की डिस्प्ले के अंदर, और इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँगा कि ये मोबाइल कैसा लग रहा है उसके साथ। तो चलिए मोबाइल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल को बैटरी इंसर्ट करके जो है बूट कर दिया है। अब देखते हैं क्या है इसका यूज़र इंटरफेस। बाकी एक चीज़ मैं आपको सैमसंग के बारे में कहना ज़रूर चाहूँगा कि सैमसंग की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वैल्यू फॉर मनी होती है। और दोस्तों सैमसंग के अंदर बिल्कुल भी दो राय नहीं है। अगर आप 8 MP के कैमरे का मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी 8 MP की ही मिलेगी, उससे कम नहीं होगी। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर तो दोस्तों सैमसंग के अंदर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश है ही नहीं। जो वैल्यू आप जो है देंगे 6200 रुपये में, उसके हिसाब से ही मोबाइल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि सैमसंग की जो क्वालिटी होती है मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी अच्छी लगती है। क्योंकि अगर मैं 13 MP का सैमसंग का मोबाइल ख़रीदता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ दूसरी ब्रांड्स के साथ एप्पल को छोड़ के, तो मुझे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ऐसा नहीं है दूसरी कंपनीज के मोबाइल बेकार हैं, बट लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो है सैमसंग के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल को जल्द से जल्द जो है स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका यूज़र इंटरफेस इस तरीके से है। यह हमने करा इसको स्किप और स्टार्टिंग हमने इसको एग्री करके जो है जल्दी से बूट कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस मोबाइल का यूज़र इंटरफेस, 1 GB RAM इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अब ये देख सकते हैं आप मेन्यू की जो की है, बैक की जो की है आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। रिसेंट विंडोज़ वाली की भी आपको इस यहीं पे देखने को मिलेगी। अभी मैं इसका जो है आपको नोटिफिकेशन बार भी दिखा देता हूँ इसके अंदर, और एक चीज़ दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके आपको इसका एंड्रॉयड का वर्जन दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो वर्जन है, जो कि गो वर्जन है। तो गो वर्जन से रिलेटेड दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो है फास्ट मोबाइल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर गूगल की एक गूगल गो वर्जन एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है और फाइल्स गो नाम की एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर गो नाम से ही इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब गो। तो ये काफ़ी फास्ट जो है वर्क करेगा अपनी रैम के हिसाब से, अपने प्रोसेसर के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी इसकी मैं और भी वीडियोस क्रिएट करूँगा इसके कैमरे से रिलेटेड, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतना सब कुछ बताना जो है पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों मैं इसके अब एक कंपैरिजन वीडियो भी शूट करूँगा, तो इस चैनल को ज़रूर जो है नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ओवरऑल इस मोबाइल का लुक है। बाकी 6200 रुपये के अंदर जो है एक बजट मोबाइल सैमसंग ने ये लॉन्च करा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर दूसरी ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर फीचर्स आपको कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं तो आप जो है सैमसंग ही परचेस करिएगा, और जो सैमसंग लवर्स हैं वो तो सैमसंग ही परचेस करते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों इसकी कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा यूज़ कर लूँ इसको सही तरीके से, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका मुझे कैमरा कैसा लगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।